कैसे आप सब? शायान भाई आए हमारे पास, ठीक है, बहुत दूर से आए बेचारे, कब से कॉल वगैरह कर रहे थे, मैंने सोचा मिल लूँ इनसे। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि भाई अगर ये काम अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोग को मज़ा आ रहा है, तो इनके चैनल को आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू द मैन्यू व्लॉग। खत्म करने के बाद नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और ईशा वगैरह होने वाली है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, आगे के क्या सीन्स हैं, और बस वो आपको जब ही मिलेंगे, जब ईशा ईशा पढ़ के आ जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। बाप भाई, और देख लो, फिर मैंने एंड में यही बोला, फिर देखते क्या करना है, फिर देखते क्या करना है, फिर देखते क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एंड में अल्लाह हाफिज़ हो जाती है। अभी सीख रहा हूँ व्लॉग बनाना, तो उसी नजरिए से देखो, कमेंट करके जब भी बताओ ताकि मैं इसको इस चीज को सही करूं। आप लोग भी बताओ कि अभी मैं एंड में, एंड जो होती है, एंड थोड़ा सा, तो उसमें मैं क्या बोलूं, ये देखते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद जो करेंगे वही दिखाऊंगा ना, तो बस मिलते हैं फिर। गाइस, ईशा विशा पढ़ के हो चुके हैं फारिग, और देख सकते हैं दोबारा से किचन में खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग कल भी बताया था कि ये जो बल्ब है ये मेरे मुंह पे पड़ता है, जिस वजह से मेरी शक्ल अच्छी आती है। और अभी भूख नहीं लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कुछ लग रहा है, सिर्फ मैं किचन में खड़े हो गए, इसी वजह से बना रहा हूँ कि मेरी शक्ल अच्छी आती है इसमें। और बस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो है ना, आज बन रहा है हमारी यहाँ पुलाव, जो कि बन चुका है बनीरा, ये देख सकते हैं पुलाव बना है। और आज भूख टाइट लग रही थी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ दो जगह, क्रिकेट विकेट का कोई सीन नहीं है आज, वो शहरी में ही डायरेक्ट आपको मिलेंगे। भाई शहरी लग चुकी है, सब कुछ रेडी है, और शहरी करते हैं। शहरी में मैंने आप लोग को बता दिया था कि जैसे कि पुलाव है और चाय है और फेनिया होंगी, तो शहरी करते हैं, कल मिलते हैं। शहरी कर ली है और टाइम बहुत कम रह चुका है, तो मैंने पानी पहले से निकाल लिया था कि दिखाना है पीते हुए, पानी पीते हुए क्या दिखाना है यार, बस पीने दो यार, आप पीने दो। पानी वानी पी लिया, कल मिलते हैं फिर एक नए चीज के साथ। तो गाइस, असर की नमाज पढ़ के हो चुका था मैं फारिग, ये देख सकते हैं, और जोहर की नमाज का जो सीन है, आज था जुम्मा, तो जुम्मा वगैरह पढ़ के मैं बस सो गया था, और इस वजह से लेट उठा हूँ, और अब टाइम हो चुका है यार, रोजे का बस होने वाला है, थोड़ी देर रह गई, आधा घंटा रह गया, जल्दी से असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद क्या नाम है, अब रोजा खोलेंगे, तो बाहर जाके देखते हैं क्या बन रहा है, क्या सीन है आगे के, तो मैं फिर मिलते हैं बाहर ही। रोजे का इत्माम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, माशाल्लाह मैंने दिखा दिया है सब कुछ, और ये बेक मैक्रोनी है, और ये जो है डोनट्स हैं, और ये क्या है, ये बैट ब्रेड रोल, बैट हाँ ब्रेड रोल, ब्रेड रोल यार, तुम कर दो कमेंट यार। और ये हमारी स्पेशल बनते हैं काठियावाड़ी छोले और पिज्जा फ्राइज, ऑब्वियसली सेम टू सेम यही चीज है, और वो भी ये तो बस हो चुका है, और ये पता नहीं गोलगप्पे रखे मैं क्या है ये, पता नहीं ये पिज्जा को बॉम्ब लगा के फाड़ दिया है, तो ये सीन है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और इसमें है पापड़ी और दूध पाकोला, अभी आ रहा है मेरा जो स्पेशल है, तो रोजा खुलता है, 5-10 मिनट रह गए तो खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं, मिलते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं बना रहा हूँ दो क्लिप्स, एक क्लिप जो बन रही है और एक क्लिप जो बन चुकी है, बैकग्राउंड दोनों के सेम है। सीन ये है कि ये क्लिप जो है ये डब जब डलेगी, जब मैं मिल लूँगा शहीर खान से, और अभी मैं जा रहा हूँ, ये बताना भूल गया था कि मैं शहीर खान के जा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने व्लॉग में छोटे छोटे क्लिप बनाए, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई, इसी वजह से नहीं दिखाई क्योंकि आज मुझे जाना था वहाँ पर, तो अभी वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर उससे मिलते हैं, और अगर वो मिल जाता तो क्लिप डलेगी, नहीं मिलता तो नहीं डलेगी, फिर वही जो नॉर्मल होता है वैसे ही होगा, तो दुआ ये है कि वो मिल जाए बस, सही है, वहाँ पर ही मिलेंगे आपको शहीद खान के पास। बाप
भाई फाइनली मैं मिल चुका हूँ शहीर खान से, जो कि शहीर भाई है हमारे, और आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें कैसे आप सब सुगाई। शायान भाई आए हमारे पास, ठीक है, बहुत दूर से आए बेचारे, कब से कॉल वगैरह कर रहे थे, मैं बोला सोचा मिल लूँ इनसे, तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि भाई अगर ये काम अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोग को मज़ा आ रहा है, तो इनके चैनल को आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, कर दो यार, कर दो, ये थोड़ा सा आप कैमरा कर दो, थोड़ा सा अगर आप कैमरा पकड़ लोगे तो ये लो, हाँ आ गए तुम, ये दोबारा अपने अपने लेवल पर कर दो भाई। तो भाई अगर आप और कुछ अगर बोले कुछ, अगर यार असल में ना मैं बहुत अटकता हूँ व्लॉगिंग करने में, मैं इसको कोई मसला नहीं है, वो एडिटिंग में कट जाता है, कट जाएगा सब, कोई मसला तो नहीं है, नहीं कोई मसला नहीं है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं अपनी कोई नहीं, ये होता है फर्स्ट टाइम में, सो गाइस आप लोग इसको बस सपोर्ट करो, बस बाकी ये लड़का काम अच्छा करेगा इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह कर दो यार, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब बढ़ाओ, और ये इनके मैनेजर हैं, पता नहीं, मैं मैनेजर हूं, ये आते ही व्यूज की बात, पैसों की बात, पता नहीं समझ नहीं आता ये पैसा लोगों को कहां लेके जाएगा। सही है भाई, नहीं सही है, गुड, ठीक है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ओके भाई। सो भाई फाइनली मैं मिल चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पीछे व्लॉग में देखा है, मैं शहीर से मिल लिया हूँ, और अब इंशाल्लाह मैं मिलूंगा माफ सफदर से, और बस यार जिस तरीके से ये व्लॉग में होता है ना शहीर, सेम टू सेम, बिल्कुल इतना 1% भी ऐसा बंदा नहीं है कि व्लॉग से हटके बात करी हो, तरीके से बात करी, बहुत नाइस बंदा है, हम्बल है, मतलब गुड पर्सन, ओके लेवल, सब ओके है। मैं आप लोग को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि व्लॉग वगैरह जो है ना, जो बंदा व्लॉग देखता है ना उसको व्लॉग का पता होता है, और जो बंदा नहीं देखता उसका कोई गर्ज नहीं है इस चीज से, तो व्लॉगिंग सब करते हैं, सब कुछ होती है, तो यार बस लाइक कमेंट शेयर करो, इंशाल्लाह इन लोग की तरह मैं भी आगे बढ़ूंगा। बस छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने, सिर्फ इसी वजह से बनाई है कि सबको पता चल जाए कि यार शायान अहमद व्लॉग्स भी कुछ है, और अभी इंशाल्लाह माँ सफदर से भी मिलूंगा, मौका मिला तो डकी भाई से भी मिलूंगा, क्योंकि इन 3-4 बंदों को ही मैं व्लॉग में देखता हूँ और इनसे इंस्पायर हूँ, और ये सब नाइस बंदे हैं, जो कि मैं मतलब ब्लॉगर तो जाहिर सी बात है सबकी तारीफ ही करेगा, तो मुझे मतलब ये लोग सब नाइस बंदे लगते हैं, मैं मास से भी मिल लिया हूँ लेकिन वो व्लॉग में नहीं आया था, और इंशाल्लाह अब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे तो फिर मास भी आ जाएगा मेरे व्लॉग में, क्योंकि वो यही उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं आ जाऊँ, मैं अपने थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ा, ताकि ये होता है कि एक बंदा इतने सब्सक्राइबर्स में 1 मिलियन में बैठा हुआ है और मेरे 100 भी नहीं। ये मेरी वो नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है 1 रुपये से ही बनता है, 1 करोड़ रुपये बनते हैं चिल्लर से, 1 रुपये से, तो इसी तरीके से किसी को जज नहीं करो, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे जज करो या नहीं करो, लेकिन आज का एक ब्लॉग मैंने स्किप करा, वो इस वजह से करा क्योंकि मैं इससे मिलने उसमें लगा हुआ था, कॉल वगैरह और ये सब चीज़ें लगी हुई थी, बंदे ने इज्जत दी और अच्छा बंदा है, लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं कल, बाय। ये इनके मैनेजर हैं, पता नहीं, मैं मैनेजर हूं, ये आते ही व्यूज की बात, पैसों की बात, पता नहीं समझ नहीं आता ये पैसा लोगों को कहां लेके जाए।